अगर आपने मेरा चैनल एनी कुक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू। और बहुत स्पेशल तरीके से बनता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। आज आप इसको ट्राई कीजिए। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए हैं वो है चाइना ग्रास। चाइना ग्रास मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जेली शरबत में नीचे बैठ जाती है लेकिन चाइना ग्रास ऊपर फ्लोट करती रहती है। चाइना ग्रास का मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यूज़ किया है। आप गर्म हो जाए तो आप इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डाल दीजिए। अब और थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है। आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। इसके बाद आपने जो फ्रिज में जमाने के लिए रख दी थी चाइना ग्रास, आप देख सकते हैं कितनी हार्ड ये हो चुकी है। अब आपने चाइना ग्रास के बहुत ही बारीक क्यूब्स, बहुत ही बारीक आपने काट लेने हैं। साथ ही ड्राई फ्रूट्स जो आप चाहते हैं उसको बारीक बारीक काट लेना है। अब आप ये देखिए कितने बारीक मैंने काटे हैं और इंतहाई अच्छी शक्ल के ये कट चुके हैं, बन चुके हैं। और जब आप इसको दूध में डालते हैं तो ये फ्लोट करते हैं। एक और चीज़ मैं मेंशन करूं, यहाँ पर हमने इसके अंदर जामेशीरी भी ऐड किया है। दूध को ठंडा करने के बाद आपने जामेशीरी ऐड करना है ताकि इसका कलर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मिल जाए। फिर आपने इसको गार्निश करना है ड्राई फ्रूट्स के साथ और इसको सर्व कर देना है ठंडा। आप इसमें कंडेंस मिल्क भी शामिल कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क से भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। होपफुली आपने मेरी रेसिपी इंजॉय की होगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।